बिस्लार पीती हूँ। दिखाओ बिस्लार पी रही है। पूरी लाइन से सबको साइड करवा के हमें स्पेशली यहाँ लाया गया है। मेरे को तो हिम्मत ही नहीं आ रही कि मैं कोई और मंदिर भी विजिट करूँ कभी। नमस्ते दोस्तों, एक और नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है और आप सबको वेलकम एक और नए शहर में। पहले कर लेते हैं ब्रेकफास्ट। लास्ट व्लॉग में बताया था हम पहुंच गए थे चेन्नई। चेन्नई पहुंचने के बाद अभी हमें रास्ते में फिर से ट्रैवल है। बिना खाए तो हम जा ही नहीं पाएंगे। आप आगे कमेंट करोगे भाई खा के क्यों गए, समझ जाओगे आप कहाँ जा रहे हैं। क्या होता है यहाँ ना व्लॉग का ऐसा होता नहीं है, मतलब साउथ इंडिया में इतना ज्यादा है नहीं चलन, तो थोड़ा सा ऐसा हो सकता है कि मेरे को तीखी नजरों से देखेंगे। तो अब कराते हैं इंट्रोडक्शन। तो ये रहे वेद। वेद का नाम क्या है, फुल नेम बताओ? कैमरा। हाँ, वेद का नाम है कैमरा। और ये वेद के फ्रेंड भगीरथ जो अभी भी उठ रहे हैं, जो ये सोच रहे कि मैं सोया तो कहीं और था, उठ कहीं और रहा हूं। क्या बात है भैया, ये मजानी लाइफ हो रही। और ये है हमारी होस्ट और इनकी बहुत अच्छी दोस्त अंकिता। ये है उनके पति देव जो ये पूरी ट्रिप को स्पॉन्सर अब ये कर रहे हैं। तो अगर ट्रिप स्पॉन्सर हो या ना हो तो पूजा ने बोल दिया कैमरे में तो स्पॉन्सर हो चुकी है ये। हेलो बोल दो। हेलो हेलो। ये डोसा ऐसा रखा था, ऐसे कुछ हमने बना दिया कचुम्बर। एडिटर साहब ने जो है फादर ड्यूटीज ले रखी हैं अभी, लेकिन ऐसा कभी कभी करते हैं तो इसको आप ऐसे मतलब कमेंट मत करना हो कितना केयरिंग हस्बैंड है, कितना केयरिंग फादर है। वेद को इडली बहुत पसंद है, तो सारे बच्चों को इडली बहुत पसंद होती है, इडली डोसा। तो बच्चों के लिए स्पेशल एरिया है जहाँ बच्चे आराम से खेलें और तब माँ बाप अच्छे से खा भी पाएंगे। लग रहा है कि थोड़ा खेलने वाला हो गया इस वजह से। चलो आओ आओ। तो हम पहुंच गए, लेकिन पिछले आधे घंटे से पार्किंग का इंतजार कर रहे हैं। पार्किंग पार्किंग वो कह रहे पादम पादम बॉस, वो वहाँ जाएगी वो गीला हो रहा होगा इसलिए कह रहे थे। तो हम लोग पहुंच चुके हैं तिरुवन्नमलाई और बच्चे की जिम्मेदारी दे दी एडिटर साहब को। एडिटर साहब आगे आगे भाग रहे हैं, चेक कर रहे हैं कैसी ब्लॉगिंग करती है ये। तो मेरे हाथ में कैमरा दे दिया इन्होंने। वो दूर पे दिख रहा है अरुणाचलेश्वर मंदिर जिसके दर्शन करने हम आए हैं, जिसे खोजा है इन्होंने। मैंने नहीं खोजा, मेरे को सजेस्ट करा गया था। तो शिव जी का ये मंदिर है। अभी समझ नहीं आ रहा है कि एंट्री कैसे होनी है और कहाँ से दर्शन हो रहे हैं। जो एंट्री है वो ईस्ट गेट से होगी, मतलब पूरब के द्वार से होगी। सबसे पहले जूते उतारने भगवान भरोसे, भगवान के मंदिर में जूते। छोटा बेबी है इसलिए हमें अभी स्पेशल दर्शन करवाए जाएंगे। तो हमें पूरी लाइन से सबको साइड करवा के हमें स्पेशली यहाँ लाया गया है। यहाँ सब जिनके भी छोटे छोटे बेबीज हैं उनको बैठा रखा है, तो अब शायद एक साथ ले जाएं। स्पेशल दरवाजे से हमारी एंट्री हो चुकी है बैक साइड से और हम दर्शन करने वाले हैं। इसका रीज़न है क्योंकि हमारे साथ छोटा बेबी है भगीरथ। जो बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, उन सबको स्पेशल दर्शन अलाउड हैं। तो भले की वजह से हमें जल्दी दर्शन हो रहे हैं, वरना हम दर्शन नहीं कर पाते। तो बच्चा पैदा करो तभी आना। दर्शन करके हम आ चुके हैं। स्पेशल एंट्रेंस में लगने के बाद भी एक घंटे से ऊपर लग गया है, एक डेढ़ घंटा लग गया है। जितना टाइम एंट्री में लगा उतना ही टाइम एग्जिट में भी लगा। तो वो अलग अलग दर्शन उन्होंने करवाए, जैसे मेन जो अरुणालयर तिरुपति हैं, ये श्री अरुणालयर तिरुपति शिव जी बेसिकली। उसके बाद आई थिंक या तो वो पार्वती होंगी, कितना आइडिया वहाँ पे समझ में नहीं आता। तो पूरा वो मतलब रास्ते से ले जा के जितने भी दर्शन होंगे मंदिर के वो सारे हुए, मेन से लेके जो भी छोटे छोटे जितने भी स्थापित हैं। और अब फाइनली एग्जिट हो चुका है, अब जाते हैं दूसरी तरफ को, एक जगह और विजिट करना है, वो दिखाते हैं। भीड़ बहुत सारी है, मतलब मेरे को तो हिम्मत ही नहीं आ रही कि मैं कोई और मंदिर भी विजिट करूं कभी। क्या है कि आप दो दो तीन तीन घंटे, मतलब एक घंटा तो हमें निकलने में लग गया पूरा। एंट्री है और जो एग्जिट है दोनों ही टाइम टेकिंग है, मतलब ठीक है दर्शन करने के टाइम लगते हैं, लेकिन नॉर्मल उसमें सात सात घंटे, पाँच पाँच घंटे पिड्डू ग्राम लगा रखे हैं। यहाँ देखो UK 07 की गाड़ी,
पता भी है बिस्लार पीती हूँ। बिस्लार पीती हूँ मैं हाँ। ये पानी सीधे आता है चेन्नई में बिस्लार अरुणाचलेश्वर मंदिर के सामने मिलता है। तो हम रमन्ना आश्रम के वहाँ पर पहुँच गए हैं। यहाँ पर पता नहीं क्या लिखा हुआ है, कुछ भी लिखा हो सकता है कि यहाँ पेशाब करना मना है या यहाँ थूकना मना है, हो सकता है यहाँ गाड़ी पार्क करना मना है। तो क्या लिखा हुआ है अब देखेंगे तो ट्रांसलेटर में डालकर, तो अंत में उसका जो निष्कर्ष निकला है वो निकला है कि वहाँ पोस्टर लगाना मना होगा। तो वहाँ तो गेट बंद हो गया था, मतलब अरुणाचलेश्वर माउंटेन जाने का। तो क्या है कि मैं एक ट्राई मार रहा हूँ बाहर से रास्ता, अगर है तो मैं वहाँ से जाता हूँ, नहीं होता तो सामने आपको दिखाता हूँ कि वो अरुणाचलेश्वर पहाड़ है, वो साक्षात कहते हैं कि शिव जी ही हैं वो। कुत्ती जंतोजहद के बाद जद्दोजहद क्या जद्दोजहद होता है? हाँ, जंतोजहद थोड़ी होता है। ओहो, तो इतनी मेहनत करने के बाद हम पहुँच गए यहाँ पर। इन्हें कुछ एहसास हुए यहाँ पे कि पत्नी ही सर्व परम देवता होती है और पत्नी के चरण धोके पीने चाहिए। अगर पत्नी की बात मानोगे तो यूट्यूब में या पूरी जिंदगी में आत्मा की ग्रोथ होगी। तो इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई है इसका टेस्ट हल्द्वानी जाके होगा, यहाँ तो खैर अच्छे ही बने रहेंगे ये। और इसका टेस्ट का रिजल्ट फिर मैं अंकिता दी को बताऊंगी, फिर वो दोबारा अपने पतिदेव को यहाँ लेके आएंगी, यहाँ इधर उधर भ्रमण करवाएंगी कि थोड़ा बैठ के आओ जाओ। वो भी वही, उनको भी वही ज्ञान मिले। पतिदेव तो यही काम ही है, कुछ कर लो तुम। हमारे पतिदेव की दूसरी सेना भी तैयार है। ये जहाँ जाते हैं ना कुकुर बिराऊ सब इनके पीछे लग जाते हैं, मतलब कुकुर खास कर इनके पीछे लग जाते हैं। क्या राज है ये, ये अपने जैसा देखते हैं क्या? क्या मैं भी भैरव देवता हूँ। भैरव देवता, क्या पता इनकी श्रेणी के हो आप। इनमें बहुत सारी क्वालिटी होती है, वफादार होते हैं तभी तो बना रखा है वफादार। नींद भी इनकी ऐसी होती है कि जैसे थोड़ी देर कुत्तों जैसी नींद कहते हैं, वैसी नींद है ना आपकी। क्वालिटी बहुत सारी होती है, खाली बोलना। यहाँ से करते हैं अलविदा, सफर को आगे बढ़ाते हैं, कुछ चाय पी जाए, खाया पिया जाए ताकि थोड़ी एनर्जी आए। सुबह हम 4:30-5:45 बजे से उठे सबके सब। हमने कुछ नया ट्राई करा और वो चीज ये है रेड बनाना। तब पिछले एक हफ्ते से मैं देख रहा था लाल रंग के केले हैं कैसे, मैंने कईयों से पूछा कि क्या है, उन्हें बोला कच्चे होते हैं ये, पके हुए होते हैं इसलिए आज ये हम खाएंगे। तो ये जो रेड बनाना है इसका स्वाद ऐसे रेड रेड जैसा कुछ नहीं हो रहा है, तो स्वाद क्या है ठीक है, नॉर्मल नॉर्मल ही है, होगा स्लाइट चेंज होगा, मेरे को समझ में नहीं आया। रेड वेलवेट की टाइप कुछ रेड वाइन जैसा? ना 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 ऐसा नहीं, मैंने सोचा कि जैसे हमारे पहाड़ों का केला होता है ना, तो मेरा कुछ अलग सा मीठा अलग सा होगा, कुछ वैसा तो नहीं था। फिर हमारे MBPG कॉलेज बायोटेक ड्रॉप आउट ने हमें बता रखा है कि इसमें आयरन कंटेंट ज्यादा होता है इसलिए बच्चे नहीं खाते हैं। क्यों, और भी कोई इन्फॉर्मेशन है? नहीं, ये इन्फॉर्मेशन थी, बच्चों के लिए थोड़ा हैवी हो जाता है डाइजेस्ट करने के लिए, छोटे बच्चों के लिए। भगीरथ को नहीं मिलेगा बच्चा। और वो जो भगीरथ खा रहा है उसका नाम है ये लक्की। ये तो हमारा खुद की सीखेंगे, हम इनका सब सीख जाएंगे। ये से मतलब इन दोनों से नहीं है, ये से मतलब है कि हम जो आए हैं जहाँ दक्षिण भारतीय लोगों का हम सब सीख जाएंगे, वो नहीं सीखेंगे हमारा। खाएंगे हमारी भटके छुड़कानी, हाँ भटका झोला। ये खाए, ये खा रहे नहीं खा रहे ये पूछो यहाँ वालों को। ये तो खा लेंगे, ये जो घूम रहे हैं अन्ना अन्ना, ये तो खाते हैं। तो यहाँ हो गया है धोखा लेमन टी के नाम पे। अरे बैग वाली टी है ये, कोई पांडे जी का लेमन टी थोड़ी ना हो रही है। हमने सही किया, दूध वाली चाय ना वैसे गलत नहीं हो सकती कभी भी। अरे दूध गलत, पेटेंट है, दूध गलत होगा। खाएंगे पेस्ट चिप्स, पेस्ट चिप्स। जब हमें वो स्पॉन्सर करेंगे तब नाम बताएंगे। जब तक 1-2 लाख रुपए तक की बोरी नहीं लगी तब तक नहीं कहेंगे। तो अभी हमारे आगे जो गाड़ी चल रही है वो 1.25 करोड़ की गाड़ी है, वोट कराई जाती है ना। पहले जिसने खरीद ली था उसके रिश्तेदारों के फायर लग जाएगी कि इतनी महंगी खरीद कैसे ली उसने। ले आप इस वो कहते हैं सर्च मार के देखना ये है, अब मैं भी अभी घर जाके देखूंगा, मेरे को अभी पता लगा। तो रिलायंस ट्रेंड यहाँ के तो कितना कंफ्यूजिंग हो गया नीचे, बहुत साउथ इंडियन हो गया, अब आई एम प्योर नॉर्थ इंडियन खाने। और ये पूरा ट्रेन स्टाइल बनाया हुआ भटिंडा एक्सप्रेस, इसे बड़ा जोरदार है ना। भटिंडा एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। ट्रेन में आता नहीं है, वहाँ स्टेशन में होता है। गाड़ी संख्या 1598 दिल्ली से भटिंडा को जाने वाली प्लेटफॉर्म नंबर 1 को उतर रही है। तो हमारी उतर के प्लेटफॉर्म यात्री चढ़ गए और भटिंडा पहुंच गए क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। तो अब हम अगली जगह जा रहे हैं, अब हम इसके बाद जा रहे हैं इबाको में, शायद कुछ आइसक्रीम आइसक्रीम मिलती है। चीज़ें तो बहुत सारी है दिखाने को, मेरे को ताकत ही नहीं आ रही है। दिखा दूँ
तो यहाँ कुछ अनोखी सी चीज हो रही है, अद्भुत सी। ये क्या बैठे हैं, किसमें बैठे हैं? रिमोट कंट्रोल जैसा, कोई दूसरी दुनिया में तो नहीं जा रहे हो? हैं, देखते जाओ मैं आज ऐसा क्या परम सत्य पा लिया तुमने। इसका रिमोट कंट्रोल है ये, ये ना आपको दूसरी दुनिया में ले जाता है, जो भी दुनिया आपके सपनों की है वहाँ पहुँचाता है आपको। इसमें आंखें बंद कर, ये देखो ऐसे ऐसे ये छाती हिलती है, ये कमर हिल गई पैरों में, ये बीच में गैस भी निकल रही है। मतलब खास मेरे लिए ऑर्डर करा रखी है, क्योंकि एक्चुअली जब सेलिब्रिटीज आते हैं थक जाते हैं तो फिर वो ऐसे ही मसाज और ये लेते हैं ना, तो वो फील देने के लिए यहाँ मेरे लिए स्पेशली मंगाई गई है। ये सर में भी कर रहा है ये, उनको जरूरत है इनकी बुद्धि में, नहीं तो घास होगी है ना वो काटने की जरूरत है। दीदियों का भाई जो कि छम छम में डांस करता है, क्योंकि अंदर इतना सब कुछ ठूसने के बाद बन रही है चाय। मतलब चाय से ना पच जाएगा वो, जितना भी हमने तेल वाला खाया है ना वो सारा डाइजेस्ट हो जाएगा, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर बचपन से पी रहे हो तो अडेप्ट हो जाती है बॉडी। ये मुझे जीजू ने सिखाया, दूसरे वाले ने, यहाँ के जो पति देव है उन्होंने मुझे सिखाया, तो मैं ये नया ज्ञान मेरे को प्राप्त हुआ है। तो इसी ज्ञान के साथ इस व्लॉग को एंड करते हैं, और चाय में पड़ गई है चीनी। बाय बाय, सी यू।